बूंदी एसीबी टीम ने गुरुवार को ग्राम पंचायत दोलाड़ा के पटवारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। पटवारी ने जमीन में नामांतरण खोलने के एवज में ये राशि ली थी। हालांकि एसीबी टीम को देखकर आरोपी पटवारी रिश्वत की राशि फेंक कर भाग गया। बूंदी एसीबी में 2 जुलाई से परिवादी ने एक शिकायत सौंपी थी, जिसमें उसने बताया था कि पटवारी जमीन नामांतरण की एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। शिकायत पर एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया। पुष्टि होने पर टीम के पटवारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। दोनों के बीच 20,000 रुपए में सौदा तय हुआ। परिवादी ने 20,000 रुपए रिश्वत की राशि देने कोटा रोड पर बुलाया। रिश्वत की राशि लेते ही जैसे पटवारी को एसीबी टीम की भनक लगी, वो मौके से भाग गया और राशि भी फेंक गया। टीम ने पीछा करते हुए पटवारी को दबोच लिया। इसी महीने की 2 तारीख को हमारी चौकी पे एक परिवादी ने शिकायत करी थी। तो सर, मैंने भीमनवा रोड का जो भीमनवा हाउस है पुलिस का, वहाँ पे 1 बीघा जमीन खरीदी है, जिसकी रजिस्ट्री भी हमारे नाम हो गई है। रजिस्ट्री होने के बाद म्यूटेशन के लिए पटवारी के पास गए। पटवारी ने 40,000 रुपये मांगे। हमने इसी बात का वेरिफिकेशन करवाया, जो बिल्कुल स्पष्ट 40,000 रुपये की मांग होना पाया गया। आज हमने ट्रेप कार्रवाई की। ट्रेप कार्रवाई में जो आरोपी पटवारी छोटू लाल है, हट्टीपुरा और दो जगह का चार्ज है उसके पास, वो पटवारी परिवादी से 20,000 रुपये लेके और एसीबी के बंधक होने से फरार हो गया था, जिसको हमने पकड़ के डिटेन कर लिया। पैसे की बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं।